सुन को ऐसे क्या पूछने वाली है? हाय बोलो। हाय। ओके तो हाय एक और बार बोलना। हाय हाय। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन आवर चैनल एंड दैट इज माय मॉम। हाय बोलो। हाय। ओके तो हाय एक और बार बोलना। हाय हाय। तो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं मदर्स डे के ओकेजन पे, तो ये वीडियो आज या कल पोस्ट होगा, तो अभी मदर्स डे है तो इसलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना डू इन दिस वीडियो इज, मेरी मम्मी को बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको मेकअप सिखाती हूँ, थोड़ा सा सीख लो, कहीं जाते हो तो काम आता है, बट नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। बट अभी उनको नया नया मेकअप का शौक चढ़ा है और फाइनली उनको टाइम मिल गया है मेकअप सीखने का, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शूट अ वीडियो अबाउट इट। और उसी के साथ साथ क्योंकि ये मदर्स डे वीडियो है तो इट इज़ गोना बी अ बिट स्पेशल, तो मैं हर एक मेकअप स्टेप में मम्मी से एक क्वेश्चन पूछूंगी मेरे रिगार्डिंग, और मम्मी को वो आंसर देना है। मम्मी को कोई आइडिया नहीं था कि ये भी होने वाला है वीडियो में, अभी देखते जाओ, बहुत सारे सरप्राइजेज है। देयर आर समवॉट अबाउट 15 क्वेश्चंस, तो मम्मी का पासिंग मार्क्स है 7, तो अगर मम्मी ने 7 आंसर्स भी सही नहीं दिए थे तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, उनको मेरे बारे में 7 चीज़ें तो कम से कम पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आई है, एंड आई डोंट वांट टू गो वेरी हार्ड ऑन हर, तो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। बट हाँ, अगर मम्मी ने 7 क्वेश्चंस सही आंसर किए तो वो जीत जाएंगी, और नहीं किए तो फिर वो नहीं जीतेंगी। तो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं हारूंगी तो उसमें मेरी गलती नहीं है, इसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने ये वीडियो आइडिया मेरे ख्याल से मम्मी को पिछले महीने बोला था कि मैं ना ऐसा कुछ सोच रही हूँ हम कभी करेंगे, तो मेरी मम्मी मुझसे एक महीने से ये बोल रही है, यार तू किसी दिन ये वीडियो बनाएगी ना तो मुझे क्वेश्चन बता दे क्या पूछेगी क्या पूछेगी, तो वो तब से मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही है, इसलिए मैंने उन्हें अभी बताया ही नहीं था कि इस वीडियो में मैं उनसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, वरना वो पहले ही पैनिक हो जाती। तो आप रेडी हो? बोलो। चलो मम्मी रेडी है। तो हम लोग बहुत ईजी मेकअप करने वाले हैं, मैं बेसिकली मम्मी को सिर्फ सारे स्टेप्स सिखा रही हूँ, वो फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हैं। ओके तो ये हमारे मेकअप का फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर, इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे और वो सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है। व्हेन इज माय बर्थडे, मैं कब पैदा हुई थी, डेट मंथ ईयर तीनों बताना। ये तो पता ही होगा, आप ही ने पैदा किया। 12 फरवरी 2000। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये भी सही नहीं आता तो फिर मुझे लगता है मुझे वीडियो यहीं बंद करनी पड़ जाती, तो मम्मी का एक पॉइंट हो गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है लिप बाम, जैसे क्वेश्चन अभी पूछा था वैसे पूरे ले आऊंगी। ओके तो सेकंड स्टेप लिप बाम हो गया, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज माय फेवरेट कलर, ब्लैक। ओके ब्लैक, ठीक है, तो आपको मिलता है 2 पॉइंट्स। तो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो पहला स्टेप होता है, क्या होता है पहला स्टेप? फाउंडेशन। अच्छा, और उससे पहले प्राइमर नहीं लगाते? अच्छा। तो हम सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई फेल्ड एन एग्जाम, मतलब अभी तक पूरा स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम मिला के मैं कितनी बार एग्जाम में फेल हुई? नहीं पक्का श्योर हो? आपको मेरे कॉलेज का रिजल्ट पता है? जो तूने मेरे को बताया है वो उसमें नहीं। सही जवाब है। तो गाइस मैं आज तक कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुई हूँ, एक बार मैं जस्ट पास हुई थी बट मैं फेल कभी नहीं हुई हूँ, तो ठीक है ये भी सही जवाब है। नॉट बैड। वो खुद ही खुश हो रही है। चलो तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये क्या उनको नहीं दिख रहा है? ये क्या प्राइमर? नहीं प्राइमर अभी फाउंडेशन। हाँ फाउंडेशन, तो नेक्स्ट स्टेप होगा फाउंडेशन। मेरी मम्मी अभी वेडिंग में गई थी, वहाँ फाउंडेशन के लिए ब्लेंडर लेके गई थी, किसी बच्चे को खिला के आ गई है ब्लेंडर मेरा। चलो तो हम फाउंडेशन लगाते हैं, इसी के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। चलो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं डिफिकल्ट नहीं, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, आपको मेरे हिसाब से आपको तो ये पता ही होगा, तो आपको ये बताना है डेट मंथ ईयर मेरी पहली यूट्यूब वीडियो का। मुझे नहीं पता। अरे ईयर तो 2018 से किया तुमने शायद। मम्मी यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर 2018 से वीडियो डाल रही हूँ। डाल नहीं रही है? हाँ वीडियो वीडियो में चैनल। नहीं 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 नहीं, तो ये इसकी बैक स्टोरी ये है कि मैंने 2018 में भी अपना चैनल बनाया था, बट उस टाइम पर मैं वीडियोस नहीं डालती थी, तो मेरी मम्मी इकलौती सब्सक्राइबर थी। नॉट बैड, इनको ये भी याद है, मैं ही भूल गई थी। नहीं नहीं वो नहीं, ये जो मैं प्रॉपर अभी यूट्यूबिंग कर रही हूँ उसके लिए बता। वो तो 2021। हाँ ठीक है, ईयर सही है। अब आप मंथ गेस करो, कौन सा महीने में स्टार्ट किया?
देख लो एक बार। अच्छा देख के तो कोई भी बता देगा, फिर आपका मम्मी होने का फायदा क्या है, जल्दी बताओ। पूरा दिन नहीं है, बोलो। इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल, याद नहीं आ रहा मम्मी। सीरियसली जनवरी को तो किसी की। अच्छा याद करो, मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी मैं सर्दी के कपड़े पहनती थी, तो जनवरी फरवरी तो नहीं हो सकता ना, तो मई जून से बनाया होगा। हाँ ठीक है, अब मई या जून ये बताओ क्या गैस करोगे। मैं कुछ ज्यादा ही हिंट दे रही हूँ, इनकी पहली वीडियो है ना इसलिए मैं इतने हिंट दे रही हूँ, वरना अभी तक मैं जीरो कर चुकी होती। जून ठीक है, जून भी सही है। अब आप डेट गैस करना चाहोगे? 1 जून से। गुड, ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी हिंट दे दी थी इसलिए इन्होंने गैस कर लिया। तो मैम मेरे को ना बहुत ज्यादा वैसा है कि नहीं, मतलब कोई चीज स्टार्ट करनी है तो मंडे से स्टार्ट करो या 1 तारीख से स्टार्ट करो, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल 1 जून 2021 से स्टार्ट किया था। अभी मेरे को 1 साल होने वाले। क्या बात है, देखो कितने अच्छे से फाउंडेशन लगाया है, और मम्मी को इस क्वेश्चन के भी फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे कंसीलर, उन्हें दिखाना कंसीलर। तो मेरी बेइज्जती करेगी। दिखाओ एक बार कंसीलर, ये कंसीलर है मम्मी, मस्कारा कंसीलर, काला कंसीलर लगाएंगे आज। और ये लगाने के बाद फिर जैसे फाउंडेशन ब्लेंड किया था वैसे ही इसको ब्लेंड करना। तो मैं इसी के साथ आपसे अपना अगला क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मम्मी कितना जानती है वो छोड़ो, इससे पता चलेगा मैं मम्मी को कितना जानती हूँ। ये क्वेश्चन पूछते ही मेरी मम्मी सबसे पहले हंसेगी, मेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? ये देखो, इससे पता चलता है कि मैं मम्मी को कितना ज्यादा जानती हूँ। बताओ, इसके 2 आंसर है वैसे, मम्मी को दोनों पता है, मुझे पता है, और पर मम्मी एक भी बताएगी तो मैं मार्क्स दे दूंगी। अरे वो है वो नेहा कक्कड़ का। यार ऐसे तो मत बोलो, नेहा कक्कड़ का मम्मी, उसको खुद का भी कोई नाम है यार उसका नाम। मम्मी सीरियसली आप उसका नाम भूल गई, रोज आप मुझे उसके, गाइज ये मुझे रोज उसके नाम से चढ़ाती है, मतलब कभी भी इनको फोटो दिख जाएगी ना कहीं पे नेहा कक्कड़ और उसके हस्बैंड की, मैं अभी नाम नहीं बोल रही, तो ये मुझे आगे दिखाती है, देख के कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या प्लीज प्लीज याद करो, वैसे तो आपको मैं मार्क्स, चलो दूसरे का बता दो, दो ही तो है। अभी मैं इतने प्रेशर में आ गई, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा। मम्मी सीरियसली आपको याद नहीं, मुझे लगा मजाक कर रही हो। नहीं नहीं ऐसे कह रही, बताते ऐसे साइड बाय साइड कुछ नहीं होगा, मेरे चैनल पे चीटिंग नहीं चलती। जल्दी याद करो, मैं फोन लेकर। रोनप्रीत, आपको नाम याद है? रोनप्रीत। क्या बात है, आपने, अच्छा मेरे को लगा मैं गूगल गूगल तो नहीं कर लिया इतनी देर में। ठीक है ये तो सही जवाब है। अब दूसरे का भी बता दो, इतनी देर आपने लिए तो आपको 2 नाम बताने पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। रोहन पीड़ित तो बड़ी मुश्किल से याद कर रही हूँ, अब दूसरा कहाँ से करूँ? ठीक है पर मैं इन्हें पॉइंट तो दे ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हें पता है, लेकिन पता नहीं कैमरा देख के आंसर कैसे भूल गई है, बट ठीक है कोई बात नहीं। कंसीलर ब्लेंड हो गया। क्या था वैसे? विक्की कौशल यार, वही तो। अरे यार वही तो भूल गई थी मम्मी। हाँ वैसे मम्मी को पता है, डर जा रही हूँ ना ज्यादा इससे। हाँ मैंने इन्हें यहाँ पे डरा के बिठाया है, वरना यार मार खाएंगी मेरे हाथ से अगर इन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो। बट जो भी है, मम्मी को पता था इसका आंसर, मुझे भी पता है, कैसे नहीं बता पाई, क्योंकि मेरी मम्मी का पूरे दिन में अगर मम्मी बोर हो रही है तो वो विक्की कौशल या रोहनप्रीत के नाम से मेरे को छेड़ने आ जाती है अंदर कि हो तेरे तो दोनों उन्होंने शादी कर ली, अब तेरा क्या होगा। चलो तो अब हम लगाएंगे पाउडर, तो स्नीकर्स या हील्स? तेरे को हील कैसे, आप इतनी श्योर हो? क्योंकि हमेशा जब भी जाती है तो मेरे को हील खरीदने ही ये बिल्कुल सही बात है। ऑल्दो मुझे पसंद दोनों चीज़ें हैं, बट मैं आई एम ऑब्सेस्ड विद हील्स। अब हमारा अगला स्टेप होगा कॉन्टोर, ठीक है। भले ही मेरी मम्मी मेकअप नहीं करती, पर ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मम्मी का सवाल था कि मैं कौन से साइड बैठूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी अपनी प्रोफाइल की वजह से पूछ रही है। वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उस साइड नया वाला पैलेट रखा था, तो मम्मी कह रही है अच्छा मैं इस साइड बैठूंगी, फिर ठीक है, मुझे लगा कि तू नया वाला पैलेट यूज करने वाली है। मैंने कहा वाह बताओ, मेकअप नहीं करती है पर नया पैलेट चाहिए। तो ये इस कॉन्टोर के साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये भी एक दिस एंड दैट है, तो बहुत इजी है, तो पूरी दुनिया को पता होगा। क्या मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है या चाय ज्यादा पसंद है? कॉफी। गलत जगह, मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तू चाय पीती नहीं है? ठीक है ये भी सही जवाब है। और थोड़ा ना यहाँ पर बैठो, देखो ये इससे आपका जो पतलापन है ना वो थोड़ा छुप जाएगा। मैं चली जाऊंगी अभी उठ के, तो मैंने तो पतलापन बोला, अब मोटापा बोलू? इससे लगाना है ब्लश। अब ब्लश का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इजी है पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मम्मी गलत बता देगी। व्हाट इज माय हाइट? बमर, मेरी वीडियो अभी रुक गई थी पर थैंक गॉड मेरी नजर पड़ गई थी, तो ब्लश भी हम लगा चुके हैं, हाइलाइटर भी हो चुका है। तो इसके ना 2 क्वेश्चंस मैंने मम्मी से पूछे थे, एक था कि मेरी हाइट कितनी है, एक था मेरा वेट कितना है। तो वेट तो मम्मी ने बिल्कुल सही गैस किया था क्योंकि वो रोज ही मेरा वेट देखती है।
और हाइट इन्होंने गलत गैस की थी। ये मेरी हाइट बता रही है 5'4", जो कि अगर सच होता तो मुझे अपनी जिंदगी में और किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं होती। सो आई एम 5 फुट, ये इन्होंने गलत बताया था। तो अभी तक मम्मी का एक क्वेश्चन गलत हुआ है सिर्फ, स्टिल नॉट बैड एट ऑल। वैसे मैंने 5 बताया था, ये अब चीटिंग कर रही है। गॉड प्रॉमिस का नहीं, उसमें तो आया था ना तेरी 5'4". चलो अब सेटिंग स्प्रे, चलो तो जब तक मम्मी सेटिंग स्प्रे लगा रही है, लगाओ लगाओ, मैं मम्मी का अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। ये भी दिस और दैट है। मुझे मूवी ज्यादा पसंद है या बुक, मतलब मानो कि कोई एक स्टोरी है बुक और वाह क्वेश्चन भी देखो ये आज तो मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये मेरी माँ है। मतलब मम्मी ने ऐसे बोला था ना कि नहीं ऐसे वीडियोस में तो मैं हार ही जाऊंगी, तो मुझे लग रहा था सही में हार जाएंगे, मुझे अब ऐसे लग रहा है। अरे इसको दिखता नहीं है ना, मैं जानती हूँ इसको। क्या बात है। तो अब हम आईब्रो करेंगे, तो जब तक मम्मी करती है आईब्रो मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ। ओ ये क्वेश्चन अच्छा है, मम्मी को पता है मैंने बताया हुआ है, बट देखते हैं मम्मी बता पाएगी कि नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन है, मम्मी बहुत सोच समझ पहले मेरे को ये बनाने दो। अच्छा ठीक है, मेरे कितने टैटू है? ये क्वेश्चन नहीं है पर ये तो फिर भी पूछ रहे। दो टैटू। अब आपको मेरे दोनों टैटूज का मतलब बताना है, दोनों से आपका चॉइस है, आप किसी का भी मतलब बता दो मुझे। दोनों का बता दे तो फिर अनबिलीवेबल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया नहीं, आपको पता ही। याद थोड़ी रहता है मेरे को, अभी मेरी कहानी आधी अधूरी है। करेक्ट, ये सही है, अधूरी नहीं मतलब हाँ अभी मेरी कहानी बची है, खत्म नहीं हुई। ठीक है चलो पॉइंट तो मिल गया, बट ट्राई करो ना इसका भी। पंजाबी में क्या लिखवाया था मैंने ये पता तो मुझे है पर मेरे को अभी अभी तो नहीं याद भी नहीं आएगा, ये तो कैमरा देख के मुझे लग रहा सब भूल गए। चलो तो इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है माय फेवरेट फूड। ठीक है तो अब इसमें ना दो है, बताओ क्या चीज। वाह वो ये देखो मेरे ध्यान में भी आता मत आना। मेरा फेवरेट फूड क्या है? जैसे मोमोज। मम्मी नहीं यार मैं मेरे को तो कभी साथ लेके नहीं गई है, मुझे कैसे पता होगा। मैं 22 साल में अपनी मम्मी को साथ में खाने नहीं ले गई कभी। गौरव को ले जाती है, मेरे को नहीं ले जाती। तो आप इस क्वेश्चन को हार रही हो ना, अभी आंसर सुनोगे ना तो आप बोलोगे हाँ ये तो मुझे पता था। है ना छी मम्मी मुझे राइस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अब रोल और मोमोज में पहुंच गई, इसका मार्क्स तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, और अगर आपने और थोड़ी देर यही किया तो मैं एक काट और लूंगी आपका मार्क्स। इसका आंसर था चिकन और वेज में छोले भटूरे। मुझे पता था ये देखो मैंने बोला था ना पता था मुझे, मतलब ये बात अभी की नहीं है, बचपन से अगर हम बाहर गए हैं खाने तो मुझे सिर्फ छोले भटूरे चाहिए होते थे, और अब वो चेंज हो गया चिकन हो गया, मुझे चिकन ज्यादा पसंद है। तो हम काजल लगाएंगे ठीक है। काजल बहुत अच्छा काजल है, लगाओ अभी आप ले लो। एथनिक और वेस्टर्न, वैसे तो मैं हर कपड़े में सुंदर लगती हूँ पर आपके हिसाब से मुझे मैं ज्यादा वेस्टर्न कपड़ों में अच्छी लगती हूँ या इंडियन में? इंडियन तुम ऐसे कैसे बोल सकते? मुझे अच्छी लगती है तो इंडियन में। मम्मी आपका सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे मैं किस में ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तुझे भी वही लगता है, इंडियन कपड़ों में तो ज्यादा वो लगती है। अब मस्कारा लगाना है, रख लिया है। बस काजल तो चलो आज इन्होंने पहली बार लिया है, पर लिपस्टिक ओ माय गॉड, मेरी मम्मी को लिपस्टिक्स का पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया, मेरी लिपस्टिक्स ले लेकर चली जाएगी और फिर बोल देंगी इनको हाथ मत लगाइयो तू। अब आजकल मेरी मम्मी को नया शौक चढ़ा है, वो है तू मुझे एडिटिंग सिखा दे प्लीज, तू मुझे एडिटिंग सिखा दे, मैं तेरी वीडियोज एडिट करूंगी। इसके पीछे मेरे ख्याल से इनका मेन मकसद ये है कि अगर कहीं पे इन्हें अपना पार्ट पसंद नहीं आ रहा तो ये उसको एडिट करना चाहती है ना। नहीं लगेगा मुझे। तो मस्कारा का क्वेश्चन है, तो अगर कोरोना नहीं हुआ होता, 3 जगह जहाँ मैं गई गई होती। एक तो बेंगलोर, हाँ चेन्नई। चेन्नई वो क्या बोलते हैं, कोलकाता। कोलकाता। A few moments later। लद्दाख। ये देखो मतलब इनको हर चीज तो बता, अब बोले कि मुझे पता तो था पर मैं भूल जाती हूँ। तो मम्मी जब हम पेपर देने जाते थे ना तो हम उसमें ये नहीं लिख सकते थे कि मैम मुझे इसका आंसर पता है लेकिन मैं भूल गई हूँ। अरे अभी कैमरा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है तो इनके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बता ही देंगे सारे के सारे, पता नहीं क्या कर रही है। पता तो था मैं भूल गई। चलो यानी मुझे 7 मार्क्स मिल गए, अब तो सारे काट लो मुझे नहीं चाहिए। तो लिपस्टिक का क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फेवरेट ज्वेलरी पीस? एक तो चूड़ियां। हां बिल्कुल सही जवाब, वैसे तो मैं इसी में मार्क्स दे दूंगी क्योंकि मुझे चूड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरा इयररिंग। बिल्कुल सही जवाब, इसके अलावा तो मैं कुछ पहनती भी नहीं हूँ। तो मम्मी को मिले हैं 12 out of 15। कैसे? तो 3 क्वेश्चन आपने गलत जवाब दिए थे। कैसे लग रहे? बढ़िया।
तो ये हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। आप बताना मैंने ज़्यादा अच्छा किया, मम्मी ने ज़्यादा अच्छा किया? मेरे हिसाब से दोनों ने बहुत अच्छा किया। मम्मी का फर्स्ट टाइम है, मम्मी ने आज से पहले कभी मेकअप नहीं किया है। एक दो बार मैंने ही किया था उनका मेकअप, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल से परफेक्ट ही किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि ये अच्छा हो सकता है। थैंक यू, वेरी गुड। और जैसे कि मैंने बोला था कि 7 पे मम्मी पास हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मम्मी काफ़ी ज़्यादा पास हो गई है। तो अब एक गिफ्ट तो बनता ही है, ठीक है, और मदर्स डे भी है ही, तो गिफ्ट तो बनता है। तो आप बैठे, मैं गिफ्ट लेके आती हूँ। मेरा तो 2 दिन पहले ही मदर्स डे हो गया। जब मम्मी गांव गई हुई थी तब मैंने गिफ्ट्स मंगा लिए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी पैक डब्बा है तो मेरी मम्मी को चुल हो जाती है उसको खोलने की, कि तू मुझे दिखा इसमें क्या है, तू मुझे दिखा इसमें क्या है। तो मैंने ना मम्मी को एक हफ्ते पहले से ना ऐसे बोल दिया था कि मम्मी मेरे पास ना पीआर जाने वाले, मैंने मम्मी से बोला कि मेरे पास ना मम्मी पीआर आने वाले हैं, पर मुझे ब्रांड ने बोला है कि मुझे ना अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है सबकी, तो इसलिए ना आप मेरा कोई भी पैकेज मत खोलना, क्योंकि अगर मम्मी खोल देती तो फिर हो जाता सब, ठीक है। तो अब ना 3 गिफ्ट्स मैंने मंगाए थे, जिसमें से 2 तो इसके थे मदर्स डे के, और 1 मम्मी का बर्थडे गिफ्ट है। बट मुझे वो बर्थडे गिफ्ट भी अभी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अगर मम्मी को पसंद नहीं आया तो उसको रिटर्न करने की कल लास्ट डेट है। आने वाला क्या है बता दे। बस हो गई है, देखो यही चुल हो जाती है इनको। तो ये आपका मदर्स डे का पहला गिफ्ट है। मेरी मम्मी के ना पर्स में पैसे नहीं अटक रहे थे, मेरी मम्मी के हिसाब से उनके पुराने पर्स पर नज़र लग गई थी, उसमें पैसे नहीं अटक रहे थे, तो उनके लिए बिना नज़र का नया पर्स मंगाया। और ये है मेरी मम्मी का बर्थडे गिफ्ट। पिछली बार भी मदर्स डे पर्स ही मिला था, पर आँखों में वो डाल के मेरी मम्मी को हमने सरप्राइज दिया था, और मैं पार्टी पॉपर फोड़ा और वो मम्मी के हाथ में ही चला गया था। तो मेरी मम्मी ने रोते रोते बर्थडे भी ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। ये चाहिए, मैं ये इनकी भी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कलर कैसे? अच्छा, आपको एक्सचेंज तो नहीं करना? नहीं करना। आपको अपने गिफ्ट कैसे लगे? तीसरा वाला गिफ्ट क्या है? वैसे तो 7 इनके मार्क्स नहीं भी आते तो भी गिफ्ट तो देना ही पड़ता मदर्स डे और बर्थडे का, बट ठीक है अभी आप जीत गए तो आपको वीडियो में गिफ्ट मिल गया, ठीक है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा ही किया वीडियो में आते, वरना पूरे दिन आपको कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा होता। आज परसों मिल जाता है, नहीं आगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप इनको बोलो मेरे को सब्सक्राइब करो, कोई कर ही नहीं रहा आजकल। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और क्या था मेरी वीडियो पूरी देखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑल दैट गुड स्टफ। आप मुझे बताना आपको मेरी मम्मी के साथ वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कर दो, मम्मी बोल रही है अब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी नई वीडियोस के साथ आएंगे। अब आप लोग भी अपना मदर्स डे अच्छे से मनाओ। इसी के साथ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। बोलो बाय 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 बाय।